वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ IIMT के LLB छात्र सचिन यादव के मुख्य हत्यारोपी कादिर को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कादिर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का करीबी रिश्तेदार है। IIMT के छात्रों ने जुलूस निकाल कर कादिर की गिरफ्तारी न होने पर उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपने करीबी रिश्तेदार को बचा रहे हैं और यही कारण है कि इतने दिन बाद भी पुलिस कादिर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि उसका नाम कई आपराधिक मामलों में आ चुका है। दरअसल 16 जून को मेरठ गंगानगर स्थित IIMT के छात्र सचिन यादव को त्यागी गुट के छात्रों ने सिर से सटाकर गोली मार दी थी। सचिन की 20 जून के सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस अभी तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कमिश्नरी चौराहे से छात्रों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लोगों ने यह बताया। सुबह 11:30 बजे हमारा छोटा भाई था LLB का छात्र सचिन यादव कुछ अराजक तत्वों में जिनमें कादिर बड्डा, जतिन त्यागी, शिवांग त्यागी और कुलदीप त्यागी ने उसको घेर कर और सटा कर गोली मार दी। 16 तारीख की घटना है। इससे पहले भी IIMT विश्वविद्यालय में काफ़ी घटनाएं घटित कर चुके हैं और मेडिकल थाने में भी कादिर बड्डा का मुकदमा है, गैंगस्टर तक मुकदमा है, फौजी में चोरी का मुकदमा है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करी गई। और आज तक भी अभी सरकार जैसे कहे कि हम बुलडोजर चला देंगे, जरूरत बुलडोजर की कादिर भट्ठे के घर पर चलने की, हमें दर्द है, हमें पता है हमारा भाई गया है और आज ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो प्रदर्शन नहीं हो गए, बहुत कुछ हो जाएगा। सर वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आगे पुलिस से क्या मांग है आपकी? पुलिस से मांग यही है कि उचित कार्यवाही हो और गैंगस्टर के तहत तो मुकदमा कराया, लेकिन 6 दिन हो गए, 6 दिन तक आज तक कादिर भट्ठा पुलिस के हाथ नहीं आया। बुलडोजर के तहत मकान डालने की तैयारी करें आप करोगे? नहीं, प्रशासन करे, यही मांग है हमारी। आपका क्या नाम है? दीपक कुशवाहा जी। उसके बाद आगे की रणनीति तय करी जाएगी और आंदोलन होगा। सबसे पहला भरोसा किसी भी व्यक्ति का प्रशासन पर ही होगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम अपनी तरफ से कुछ एक्शन ले लेंगे। हमारा भरोसा प्रशासन पर है, प्रशासनिक कार्रवाई पर है, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और अगर नहीं करता है तो उसका सवाल आता ही नहीं है। जब भरोसा है हमें प्रशासन पर तो नहीं का सवाल ही नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ने इस मामले को अपने संज्ञान में लेगा और फास्ट ट्रैक के तहत फास्ट ट्रैक लागू करे कानून, और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, और जो कादिर है जिसने गोली मारी है उसको तो हम चाहते हैं कि उसका सीधा एनकाउंटर हो। जिस तरीके से हमारे प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो इस पर क्यों नहीं चलाया जा रहा? कादिर भट्टा पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा? 6 दिन हो गए हैं आज इस निर्दोष की जो हत्या कर दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।